पंतनगर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में आज दोपहर करीब 11 बजे किसी वजह से एक झोपड़ी में आग लग गई। वहीं तेज हवा चलने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, आसपास की झोपड़ियों को चपेट में ले लिया। वहीं इससे 12 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। बता दें इससे लाखों रुपए का घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। स्थानीय ग्रामीण भी आग बुझाने में जुट गए। बता दें घटना के समय अधिकांश लोग काम पर आए थे। कारण जांच का विषय है कि क्या स्थिति है। सबसे पहले प्राथमिकता है कि इनके रहने की व्यवस्था करना, इनके भोजन की व्यवस्था करना। तो हमारी तहसील से टीम, आपदा प्रबंधन की टीम जिले से सभी यहाँ उपस्थित हैं। कच्चे राशन की किट भी हम लेके आए हैं अपने साथ। साथ ही अगर आवश्यकता होगी तो तहसीलदार साहब ने अभी पास में सुरक्षित स्कूल में इनके रहने का इंतजाम किया है। तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि इनको अहेतुक सहायता तत्काल हम लेके आए हैं। कुछ अभी समस्या आ रही थी, शायद कुछ लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं, तो ऐसी स्थितियों में फिर हम कैश की भी व्यवस्था करवा रहे हैं। साथ ही हम राशन की किट अभी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और उसके साथ ही जो भी संभव सहायता होगी वो पूरी निश्चित तौर से। 12 का एग्जैक्ट फिगर है, बट किसी को कहीं से भी कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। कुछ कैटल लॉस की भी इंफॉर्मेशन है सर, है लेकिन सर मैं घर में नहीं था, मैं जानवर के लिए पता लेने गया था जंगल। अचानक पता फोन आया कि नहीं झोपड़ी में आग लग गई, आते आते देखा तो सोहा। शादी तो सर 18-19-20-21 के शादी है मेरी लड़की के, करीब 2-2.5 लाख के सामान के मतलब हमारा नुकसान ख़त्म हो गया। जेवर कपड़े लत्ते बर्तन बर्तन सारे ख़त्म हो गए सर। यहाँ 11 आदमी की झोपड़ी जली है सर। सर नेता लोग आए थे, कुछ मतलब कह तो गए हैं लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। सुनीता नाम है, इंदिरा कॉलोनी है। हमारे यहाँ अभी शादी की तैयारी चल रही थी, अचानक से आग लग गई, बुताने उताने में सबकी लग गई। अभी ये तो नहीं पता कि कितना किसका यहाँ नुकसान हुआ है। 11-12 झोपड़ी थी, सबकी यहाँ आग लग गई, सब कुछ जल गया, किसी का कुछ नहीं बचा। यही 1-2 लाख का खर्चा हुआ है। अभी तो कुछ नहीं, नेता अंकल आए थे, खाली अभी खाना वाना का व्यवस्था करके खाली गए हैं। पूरे देश में नवरात्र शुरू हो चुका है। हिंदू वर्ग नवरात्रों की तैयारियों में जुट गया है। नवरात्रों के बाद 10 अप्रैल को अनुष्ठानों की पूर्णाहुति होती है, जिसके लिए मंदिरों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माँ दुर्गा के मंदिरों को सजाने संवारने के साथ ही नारियल चुनरी की दुकानें सज गई हैं। शनिवार को प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ माँ आदिशक्ति स्वरूप की 9 दिवसीय पांचतिक नवरात्र की आराधना शुरू हो जाएगी। तैयारियां व्यवस्था हो रही है कि एक हमारी शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नया निर्माण हुआ है और हमारे मंदिर में नए गेट भी लगाए जा रहे हैं और सजावट का मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था चल रही है। श्रद्धालुओं को मन से पूजा पाठ करनी चाहिए, बिल्कुल श्रद्धा से, अपने मन में कोई भी छल कपट नहीं रखना चाहिए उनको। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बता दें मां नैना देवी मंदिर में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों का भी मां के दरबार में तांता दिखाई दिया। श्रीनगर शहर में डंपिंग ग्राउंड के अभाव से लोग काफी परेशान हैं। बता दें नगर पालिका की ओर से शहर भर का कूड़ा पुराने बस अड्डे पर फेंका जा रहा है, साथ ही इसी वजह से आए दिन कचरे में आग लगाई जा रही है, लेकिन इसका स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकल पाया। वहीं इससे स्थानीय लोगों को कचरे की जहरीले धुएं से काफी परेशानी हो रही है, साथ ही उन्हें कई बीमारियों का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने कई बार नगर पालिका और संबंधित अधिकारियों को इसकी शिकायत की। अभी नगर निकाय श्रीनगर का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का DPR है वो स्वीकृत हो रखा है, उनको उसकी धनराशि भी प्राप्त हो रखी है। पर्यावरणीय स्वीकृति का जो अब अनुमति होती है वो जैसे ही प्राप्त हो जाएगी उसका निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए निर्देश दिया जाएगा और उसके पश्चात उसका टेंडर का कार्रवाई भी करना आवश्यक है। तो वो भी हम लोग वर्तमान में जो आचार संहिता लगी थी निर्वाचन कार्य के दौरान उसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, अभी निर्वाचन का आचार संहिता समाप्त हो गया है तो उसको शीघ्रता से करने का निर्देश संबंधित निकाय के जो अधिशासी अधिकारी होते थे। थोड़ा मतलब यहाँ से हटाया जाए, अगर नहीं हटाते तो हम लोगों को कहीं और ज़मीन दिया जाए, हम और जगह घर बना लेंगे अपना, हमको कोई मतलब नहीं है ठीक है। लेकिन जब ये गंदगी में सर बारिश पड़ती है, धूप लगती है, इतनी गंदगी है, इतनी बदबू में कोई दूर तक ये गंदगी फैल रही, बदबू फैलती है तो हमारा घर तो पास में अभियान के अंतर्गत आता है ये क्या नदी पास में, नदी में भी ये सारा कूड़ा जाता है। अगर इन लोगों को बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि नगर पालिका की ज़मीन है इसलिए हम, नगर पालिका को अगर यही कूड़ा घर बनाना था ये जमीन बेची क्यों।
सर यहाँ पे इतना कूड़ा है, कितनी बार हम लोगों ने मना भी किया है, कितनी बार हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया, तो उसके चलते भी मतलब प्रशासन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। इतनी बदबू में सर कोई भी आना पसंद नहीं करता। ऊपर से यहाँ पे सर तीन चार ही घर है, वो लोग रोजगार भी करेंगे तो कैसे करेंगे सर, इतनी बदबू में तो कोई भी नहीं जा सकता है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं सर ये कूड़ा हटाया जाए, जहाँ इन लोगों को जगह मिली है कहीं घरों से दूर होना चाहिए सर ये गंदगी वाली जगह। यहाँ कितनी बार मना किया इन लोगों को, फिर भी वो लोग कहते हैं कि हम यहीं डालेंगे। तो जैसे कि गर्मी का दिन शुरू हो जाए तो बीमारी फैलेगी? बिल्कुल फैलेगी सर, इतनी गंदगी से तो बीमारियाँ जरूर फैलेंगे, गर्मियों में तो और बदबू आती है। एक तो नीचे नदी है नमामि गंगे के, जो सफाई हुई थी वो नदी में गंदगी हो रही है। यहाँ पे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, न खाने खाया जा सकता, न पानी पिया जा सकता है, और सारी नगर पालिका सारे से नगर कूड़ा यहाँ इकट्ठा हो जाता है, जिसमें कि नीचे नदी भी है। शासन प्रशासन को हमने कई बार जो है अवगत भी कराया, जिसमें सभी वासियों के सहन है इसमें, और यही बात है जिसमें कि एसडीएम साहब ने कहा था कि मैं 3 दिन में इसको हटाने का वो करूँगा, और 3 दिन से ज़्यादा हो गए, कई दिन हो गए, कुछ हटा ही नहीं। जैसे कि गर्मी का दिन शुरू हो चुका है तो बीमारी का किस तरह से देखते हो? सर इसमें तो मच्छर है, कीड़े हैं, आदमी रह ही नहीं पाता। मैं तो खुद यहाँ पर दुकान खोल, मेरे बगल में दुकान है, मैंने दुकान की ओपनिंग की, मैं 7 बार हॉस्पिटल एडमिट हो गया। नवरात्रों की शुरुआत में विधि विधान के साथ हो गई। नवरात्र के पहले दिन हिमालय पुत्री शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। चारों धामों की रक्षक देवी धारी देवी में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोग सैकड़ों की संख्या में यहां पर मां के दर्शन करने पहुंचे। वहीं इस दौरान लोगों ने मां को चूड़ी छत्र अर्पित किए कि मां भगवती धारी देवी दिन भर में 3 रूप धारण करती है। हरिद्वार में मंदिर में माता की आराधना के लिए 9 दिन अनुष्ठान कराने की तैयारी मंदिर समिति और पुजारियों की ओर से पहले ही की कर ली गई है। बता दें कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन स्थापना की जाती है और अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, जिसके तहत शहर में हर ओर पूजा पाठ का भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। हरदोई में आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने विशेष संचार रोग नियंत्रण दस्तक अभियान का शुभारंभ किया और कहा कि वेक्टर जनित बीमारियों को लेकर पिछली सरकारें काफ़ी उदासीन रही थीं, जिसके कारण यूपी का आधा हिस्सा बीमारियों से ग्रसित रहता है, लेकिन बीजेपी की योगी सरकार ने काम किया है और उसी की बदौलत 90% इन बीमारियों पर रोक लगी है। बात हुई है और यह अभियान पहले भी कई चरणों में उत्तर प्रदेश में चला है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जैसे मलेरिया, डेंगू, जेई, जापानी एनसेफेलाइटिस, जापानी बुखार जिसे कहते हैं, इसकी रोकथाम हो। जैसा कि मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी कहा था कि पिछली सरकारें इन वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के प्रति बड़ी उदासीन रही थी और उत्तर प्रदेश का करीब आधा हिस्सा इस बीमारी से ग्रसित रहता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के सत्ता संभालने के बाद उत्तर प्रदेश में इसमें बहुत तेजी से काम हुआ है और आज मुझे खुशी है बताते हुए कि करीब 90% से ज़्यादा रोकथाम इसमें हो चुकी है और लगातार इस अभियान को चला के उत्तर प्रदेश में हम और भी जो प्रभावी ढंग से इसको कर सकते हैं, इसमें लागू कर सकते हैं, इसको लागू कर रहे हैं। देखिए फ्यूल प्राइजेस इंटरनेशनल जो वातावरण है उससे बहुत हद तक प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि फ्यूल प्राइजेस हमेशा बढ़े ही हैं, फ्यूल प्राइजेस कम भी हुए हैं। सरकार ने अभी कुछ ही महीने पहले फ्यूल प्राइजेस में काफ़ी कमी भी करी थी, तो क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्यूल को और जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट या क्रूड का प्राइस अगर बढ़ता है तो ये मजबूरी है किसी भी देश की कि उन्हें अपने यहाँ फ्यूल प्राइजेस बढ़ाने पड़ते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम गुजरात के दौरे पर हैं। बता दें अहमदाबाद के गांधी आश्रम में बापू की प्रतिमा को नमन किया। वहीं दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार बनाई गई है। तीर्थ नगरी में चैत्र नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर जाकर सबसे पहले मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करने के बाद भिक्षुकों को दान किया। माता जी हैप्पी नवरात्र। आज से नवरात्र शुरू हो गए, वैशाख नवरात्र, और इसमें पहले दिन में जो है
माता की जो स्थापना शुरू होती है, कलश रखा जाता है, नारियल रखा जाता है उस पर, और पूजा की जाती है। पहले दिन 9 दिन तक के व्रत रखे जाते हैं माँ दुर्गा के, और पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से कोई अखंड जोत जलाता है, कोई सुबह शाम जोत जलाता है। तो इसकी पूजा जो है अर्चना सबको करनी चाहिए, चाहे वो कुंवारी लड़की हो, चौथ सुहाग बनती हो, कोई भी हो, माता की कृपा हर किसी पे बराबर पड़ती है। माता सबकी सुनती है, सब पे कृपा करती है, और ये नए साल से नए नवरात्रे शुरू हुए हैं, सब पे कृपा बनी रहे। जय माता दी। हम लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं इस पर्व को, और जो 9 के 9 दिन हम व्रत रखते हैं, जिनमें एक समय जो है हम भोजन करते हैं उसमें फलाहार का वो भी, और जो हमारे घर की महिलाएं हैं चाहे वो किसी भी रूप की हो, तो जो है बड़े खुशियों से और बड़े सम्मान के तरीके से इस त्यौहार को मनाते हैं। और जो उनकी और अष्टमी के दिन कंचकों को जिमाकर और उसको माता को विदा किया जाता है कि सबके घरों में सुख शांति रहे, और जो है इस परिवार संसार को और हर महामारी से बचाए, यही हमारी माता से प्रार्थना रहती है। रहमतों का महीना चांद देखने के बाद शुरू हो गया। वही चांद देखने से पहले ही बाजारों में लोगों ने सामान खरीदा। कहा जाता है कि इस महीने में एक गुणा सवाब का काम करने की एवज में 70 गुना सवाब मिलता है। कि आप भी जानते हैं कि 2 साल से लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से तरावी का अहतमाम लोग अपने अपने घरों में कर रहे थे, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कोरोना की बीमारी ख़त्म हो गई और इस मर्तबा तरावी का अहतमाम मस्जिदों ही के अंदर किया जाएगा। ये तरावी की जो नमाज है सुन्नत मुअक्कदा है, ये मर्दों पर भी ज़रूरी है और औरतों पर भी ज़रूरी है। अलबत्ता औरतें तरावी की नमाज अपने घर के अंदर पढ़ेंगी और मर्द मस्जिदों में जाकर जमात के साथ इसको अदा करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी रमज़ान के महीने में तरावी का अहतमाम करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके अगले गुनाह माफ़ कर देता है, और ये तरावी की नमाज सुन्नत है। रुद्रपुर में कई सालों से नेपाल से गायब नाबालिग को पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही से रुद्रपुर के एक मंदिर में बरामद किया गया, जिसमें बाल कल्याण समिति, बचपन बचाओ समिति और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्यवाही की थी। मामला पूरा ये था सर कि ये बच्चा वृंदावन में मिला इस बाबा को, छोटे में 3-4 साल पहले वृंदावन में मिला, तो बाबा के यहाँ आ गया। बाबा के यहाँ इसने काम किया, बहुत काम किया, ठीक, और बाबा के अत्याचारों से पीड़ित होकर के भाग गया नेपाल, अपने घर चला गया, ठीक। उसके घर के जाने के बाद फिर वो नेपाल से अपना घूमने निकला सरसा बालाजी, राजस्थान में पड़ता सर, ये वहाँ पे इस बाबा की नज़र पड़ गई, बाबा जी की नज़र पड़ गई तो इसको यहाँ ले आया। अब बच्चा धीरे धीरे बताएगा, अभी तो रिलैक्स होगा बच्चा थोड़ा सा, है ना, काउंसलिंग हो रही बच्चे की, तो बताएगा सारी चीज़ें को वो बताएगा, लेकिन मोटी मोटी बात है कि इसके बड़े भाई ने जो नेपाल में रहता है, खास बड़ा भाई है, ये दोनों ही बेचारे और कौन इसका इनका है नहीं, तो उन्होंने हमको मेल किया, बचपन बचाओ आंदोलन को, कैलाश सत्यार्थी जी को कंप्लेंट किया कि भाई हमारी मदद करो। हम तुरंत मदद के लिए आए सर, और आप सब लोगों ने आपने देखा कि कैसे मदद हुई है और कैसे शासन प्रशासन से सभी अधिकारी, अब क्या छुट्टी का दिन है सर, सब लोग आए। सीओ साहब का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, एसएसपी साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा, तमाम पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूँगा, चाइल्ड लाइन का धन्यवाद देना चाहूँगा। पहली बात तो मेरा भाई 4 साल से इधर रह रहा है, ट्रैप में रह रहा है, तो आज से 4 साल पहले ये बेहला खुश लाकर उसको यहाँ लाए थे ये बालाजी के मंदिर में, तो वो 4 साल तक निकल नहीं पाया, 3 साल तक, 3.5 साल तक, तभी यहाँ के जो अच्छे लोग हैं आसपास के, उनकी मदद से उनको उसने बताया उन लोगों को कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मुझे यहाँ से निकलना है, ये बहुत गंदी जगह है, मुझे घर जाना है, तो उसके बाद कि कुछ लोगों ने उसकी मदद किया और रातारात उसको नेपाल भेज दिया। तब मुझसे कॉन्टैक्ट किया तो मैंने मेरे भाई को रिसीव कर लिया। तब कुछ समय भाई के साथ समय बिताई, 5-6 महीने हमारे साथ रहा, तो उसने बताया कि बहुत मारते हैं, बहुत गंदी तरह से मारते हैं, बहुत पीटते हैं, खाने भी अच्छे से नहीं देते, तो उसने बताया उधर फिर से नहीं जाना है, बहुत दुख देते, तो वो थोड़ी बहुत भक्ति
मन है उसका, तो घर के भी आसपास में मंदिर में जाता था, पूजा में जाता था। उसी संदर्भ में वो जयपुर का एक मंदिर है वहाँ पे दर्शन के लिए आया था, अभी अभी नेपाल जाने के बाद अभी अभी आया था एक महीने पहले। तो मुझे भाई से भी पता चला और मुझे इन्फॉर्मेशन से भी पता चला कि वो जब दर्शन करने आया था एक दो दिन हुआ था तो इन लोगों को पता चला कि फिर वो आ गया है। संभल के जिला अस्पताल में सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट शुरू की गई है। बता दें, अब कम वजन के बीमार पैदा होने वाले बच्चों का इलाज और देखरेख जिला अस्पताल में ही होगा। जिला अस्पताल में स्थापित सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट का डीएम संजीव रजन ने उद्घाटन किया। इसके बारे में बता दूं कि एसएनसीयू जो होता है वो सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट कहलाता है, और ये जो लो बर्थ वेट होते हैं, बच्चे जिसका जन्म के समय 1800 ग्राम से कम वजन होता है, उसको स्पेशल केयर देने की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे यहाँ जो जिला चिकित्सालय है इसमें ये सुविधा आरंभ की गई है। ये हमारे लिए बड़े ही खुशी की बात है कि हम लोग के तमाम प्रयास के बावजूद ये पहले हम नहीं कर पाए थे, अब शुरू कर पा रहे हैं। इसका मेजर कारण ये था कि हमारे यहाँ जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनका अभाव था। शासन से लगातार मांग करने के बावजूद जो है जब मिला तो हम लोगों ने एसएनसीयू के निर्माण में तत्परता दिखाई, और इसके लिए मैं आप सभी लोगों को के साथ शेयर करने में मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है कि अब कम से कम जो बच्चे जो सिक हैं, जो न्यूबॉर्न की में कम वेट वाले कैटेगरी में आएंगे, उनका इलाज भी यहीं हो जाएगा, उनकी केयर भी संभव हो पाएगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर में बतौर मुख्यमंत्री अपनी दूसरी पारी शुरू करने के बाद पहली बार यहां पर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मुख्यालय स्थित बीएसए ग्राउंड पर 28 अप्रैल तक चलाए जा रहे विशेष संचार रोग और दस्तक अभियान की शुरुआत की। जब मुझे विशेष संचारी रोग नियंत्रण के इस अभियान को प्रारंभ करने के लिए किसी एक जनपद को चुनना पड़ा तो उसके लिए भी सिद्धार्थनगर जनपद का चयन हुआ है। कारण है, एक तो आकांक्षात्मक जनपद है जिस पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, और इसलिए पिछले 5 वर्ष के अंदर जो प्रयास हुए हैं उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं, लेकिन अभी इस प्रयास को और द्रुत गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। संचारी रोग का मतलब मस्तिष्क ज्वर, यानी जो नौकी बीमारी है, जिसके कारण आपने देखा होगा 1977 से लेकर के 2017 तक अनवरत मौत का एक लंबा सिलसिला चलता रहा। इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1,500, 2,000, 3,000 मौतें हर वर्ष होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने जब इसके खिलाफ कमर कसी और अंतर विभागीय समन्वय, स्वच्छ भारत मिशन, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ आशा वर्कर, आंगनबाड़ी हेल्थ वर्कर, यूनिसेफ, WHO, PATH जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर के जब हम लोगों ने इस अभियान को और आगे बढ़ाने का कार्य किया। सितारगंज में श्री शिव शक्ति दुर्गा मंदिर के वार्षिक उत्सव नवरात्रि के अवसर में कलश यात्रा में श्रद्धालु की भीड़ देखने को मिली। आचार्य दिनेश भट्ट की तरफ से विधि विधान से पूजा कराकर कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। सौभाग्य का वो है कि नवरात्रों का भी दिन पड़ा है, तो मैया के हमने प्रथम दिन आज चतुर्थ जो है वार्षिक उत्सव है हमारे मंदिर का, इसको लेकर हमने कलश यात्रा निकाली है, और दसवीं वाले दिन हम इसको भंडारे का समापन करेंगे और लगातार 9 दिन तक मैया की पूजा होगी। चंपावत के टनकपुर स्थित मां पूर्णागिरी मेले में श्रद्धालुओं को तांता लगा रहा। लाखों की संख्या में नवरात्र में श्रद्धालु मां के दर्शन करने आए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मां पूर्णागिरी मंदिर में जाकर मां के दर्शन किए। थराली के नारायण बगड़ में नवरात्र और हिंदू नव वर्ष
के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर से पूरे बाजार में शानदार झांकी सजाकर पथ प्रदर्शन किया। आरएसएस के जिला बौद्धिक प्रमुख राम प्रसाद मिठाड़ी और खुद सेविकों, शिशु मंदिर के छात्र छात्राओं, स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय परिधानों में सच कर हिंदू संस्कृति का आह्वान करते हुए भारत माता की जय का उद्घोष किया और साथ ही हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। नूतन नववर्ष संवत्सर 2779 नल नाल संवत्सर है और ये संवत्सर हम सभी के लिए शुभ हो, इस शुभकामनाओं के साथ आज हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक थे उनके द्वारा पथ संचलन का कार्यक्रम किया गया और उसी के साथ यहाँ पे जो हमारे नवीन नेगी जी हैं, पुलिस इंस्पेक्टर जो यहाँ पे चौकी इंचार्ज हैं, उनके द्वारा यहाँ पे स्थानीय रूप से जो चोरी हुई थी उसका उन्होंने त्वरित गति से खुलासा किया। जो आज संपूर्ण हिंदू समाज में आज बढ़ चढ़ करके मनाया जा रहा है, इसके लिए मेरा एक यही संदेश है कि जो आज पूरा हिंदू समाज जो अपना ये नववर्ष कार्यक्रम नव संवत्सर 2079 जो लगा आज से, इसकी सोशल मीडिया से या आप लोगों के माध्यम से जैसे भी हो सके वो संपूर्ण हिंदू समाज में, अपने भारतीय पूरा भारत के समाज में या जन जन तक पहुँचे। और जो ये ईस्वी सन है, ये ईस्वी सन की जैसे बधाई देते हैं तो इसको ये पाश्चात्य जो सभ्यता है, जो पाश्चात्य अनुकरण है, इसको हावी न हो और यह हमारे इस हिंदू समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, क्योंकि कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए हमको यह जो सनातनी धर्म है, हमारा जो राष्ट्र है, ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है और इस राष्ट्र के लिए हिंदू मानवियों को बढ़ावा देना और इस राष्ट्र के लिए मैं समझता हूँ कि हमारा जो स्वाभिमान है यह हिंदू नववर्ष नव संवत्सर है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर चौड़ीकरण कार्य में मानकों को ताक पर रखकर पहाड़ी काटना पड़ रहा है, जिसके चलते चारधाम यात्रा की राह में कई परेशानी खड़ी हो रही है। बता दें पहले यहां कई जगहों पर डेंजर जोन बना हुआ था, वही अब यहां और नया डेंजर जोन विकसित होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई है।